बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं, देश आन पर मरने वाले हम बारूदी सोले हैं। हम सब खौफ नहीं खाते हैं विध्वंसक हथियारों से, सीख लिया है लड़ना हमने तुझ जैसे मक्कारों से। पहला वार नहीं करते हम, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं। शेरों के हम वंशज सारे, सुन एक बात बताते हैं, एक झपट्टे में ही पूरी खाल खींच लाते हैं। आन बान की रक्षा में हम फंस कर शीश कटाते हैं, जिस देश धरा में जन्म हुआ है उसका कर चुकाते हैं। तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, लोहे से देना सीख गया है भारत। गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों ने छुप कर धोखे से भारतीय सैनिकों के ऊपर वार किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए चाइना के तकरीबन 40 से 45 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और खुद अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के उस भूमि की रक्षा की जिसको चाइना अपने कुटिल चालों से हड़पना चाहता। नमन है भारत के उन वीर जवानों को, वीर शहीदों को, जिन्होंने अपने मातृभूमि की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये देश आपका हमेशा ऋणी रहेगा, हमें अपने सैनिकों पर गर्व। जय हिंद। मैं हूँ नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिल से नीरज। आज हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में, कि चाइना हमारे लिए इतना आक्रामक क्यों है और भारत सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए इसके बारे में। हम दोस्त तो बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सभी पड़ोसियों के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहता है, अच्छे संबंध का पक्षधर है। कुछ दिनों से चाइना बॉर्डर पर काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है। आइए इसको कारण को समझते हैं कि चाइना भारत को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो गया है। पूरे एशिया महाद्वीप में भारत ही वो देश है जो चाइना के प्रगति के पथ को रोक सकता है, उसे महाशक्ति बनने से रोक सकता है। भारत का बढ़ता हुआ कद चाइना के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है। रशिया, जापान, ताइवान, भारत और ऐसे और कई उसके सीमावर्ती देश हैं जिसके साथ चाइना का जमीन का विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो चाइना का लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ भूमि का विवाद चलता है और इसका कारण है चाइना की विस्तारवादी नीति। जापान के साथ, जापान के आधिपत्य वाले सिनकाकू द्वीप पर चाइना अपना हक जताता है। रशिया और चाइना के बीच झेनबाओ द्वीप पर विवाद चलता है। वहां के एमर और एरगन नदी के कुछ द्वीपों पर भी चाइना अपना हक जताता है और दोनों देशों के बीच ये विवाद का कारण है। चाइना ताइवान पर भी अपना हक जताता है और जो भी देश ताइवान को सपोर्ट करते हैं चाइना उन्हें अपना दुश्मन मानता है। भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। चाइना हर साल अपना एक नया नक्शा जारी करता है और भारत के सीमावर्ती प्रदेशों के कुछ हिस्से को अपना दावा दिखाता है, उन पर अपना दावेदारी ठोकते हैं। यही नहीं, चाइनीज फौजें हर साल भारतीय सीमा का अतिक्रमण करती हैं और जब भारतीय सेना उनको खदेड़ती है तब वो पीछे जाते हैं, यानी हर क्षेत्र को वो विवादास्पद बनाकर रखते हैं। हाल ही में जो डोकलाम विवाद हुआ था वो चाइना की चालों का नतीजा था और भारत के कुछ प्रांतों पर जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में भी चाइना अपनी दावेदारी करता है। चाइना साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है जिससे वहाँ पे वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया जैसे देशों को खतरा हो गया है। साउथ चाइना सी में ही अमेरिका और चाइना के बीच विवाद है और इन सभी विवादों की जड़ चाइना की विस्तारवादी नीति है। चाइना बहुत ही महत्वाकांक्षी देश है। चाइना भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में पहले फंसाता है, उसके बाद जब वे उसको चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उनका दोहन करता है, उनका उपयोग मनमाने ढंग से करता है, भारत के खिलाफ करता है। तो चाइना की ये नीति जो है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत के पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में लेने की कवायद चाइना शुरू से करता रहा है। चाइना ने श्रीलंका में निवेश किया और
श्रीलंका में एक पोर्ट बनाया जिसका नाम था हम्बन टोटा। और जब श्रीलंका की सरकार उसके कर्ज को नहीं चुका पाई तो चाइना की ये कोशिश रही वो उस पोर्ट को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, अपने प्रयोग में ले, यानी भारत को दक्षिण में घेरने की साजिश। चाइना ने बांग्लादेश को भी कर्ज ऑफर किया है पोर्ट बनाने के लिए और बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसाने की साजिश है। चाइना ने मालदीव जैसे छोटे देश को भी कर्ज के तले दबा रखा है और कोशिश उसकी यही है कि मालदीव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। तो चाइना का ये कर्ज देने वाली जो नीति है ये बहुत ही खतरनाक है। कर्ज के जाल में पहले देशों को फंसाना और उसके बाद उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ और अपने हितों के लिए करना। चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक का निर्माण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और बदले में पाकिस्तान ने उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा गिफ्ट कर दिया है जो हिस्सा भारत का है। और चाइना पाकिस्तान का गठबंधन भारत के लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान ये चाहता है कि बुरे वक्त में चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करे और यही सोचकर उसने पीओके का एक हिस्सा उसको सौंप दिया है चाइना को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना के सिनजियांग प्रांत से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, चाइना ने उसमें अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है और एक तरीके से वो उसका सामरिक इस्तेमाल भी करना चाहता है व्यापार के साथ साथ, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। चाइना को ये डर है कि भारत अगर सियाचिन पर काबिज रहता है अथवा पीओके को लेने की कोशिश करता है तो ये जो उसका प्रोजेक्ट है सीपेक उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उसने अवैध ढंग से भारत के पीओके में अपनी सीपेक का निर्माण किया हुआ है। चाइना की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चाइना भारत का हर मंच पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विरोध करता है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। मसूद अजहर जो कि दुर्दांत हत्यारा है, दुर्दांत आतंकवादी है, कई बार यूनाइटेड नेशंस में उसको बैन करने की भारत की मुहिम को चाइना ने तगड़ा झटका दिया है और उसको वीटो लगा दिया जिससे वो बैन ना हो सके। भारत को अस्थिर रखने के लिए चाइना असम और नागालैंड के आतंकी संगठनों की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करता है। यानी कुल मिला के भारत को घेरने के लिए चाइना हर वो हथकंडे अपनाता है जो वो अपना सकता है। लेकिन भारत एक अच्छे पड़ोसी के नाते चाइना से हमेशा दोस्ती की उम्मीद रखता है। लेकिन भारत की सरकार अब चाइना की चालों को समझने लगी है और चाइना के खिलाफ जो भी एक्शन लेने चाहिए उनको प्रॉपर तरीके से ले रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चाइना हमसे इतना चिढ़ता क्यों है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो अभी का तत्कालीन कारण है वो ये है कि कोरोना के इस संकट काल में जब पूरी दुनिया की निगाहें चाइना के ऊपर टेढ़ी हो रही हैं, ऐसे समय में भारत की इमेज काफ़ी अच्छी हो गई है और जब से भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं की सप्लाई अमेरिका और रसिया जैसे मुल्कों को किया है, भारत एक सेवियर बन के उभरा है, वहीं चाइना एक विलेन के रूप में प्रस्थापित हो गया है। यानी सारे मुल्क चाइना को एक विलेन की हैसियत से देखते हैं। भारत का बढ़ता हुआ कद चाइना बचा नहीं पा रहा है। जब आर्थिक तंगी से सारे देशों के कंपनियों के शेयर डाउन हो रहे थे, धड़ाम हो रहे थे, तो चाइनीज कंपनियां उन देशों के शेयर औने पौने दामों में खरीद रही थी। भारत की मोदी सरकार ने एक नियम पास किया और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित नियम ये है कि भारत के पड़ोसी देश अभी कुछ दिनों के लिए भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं बिना भारत सरकार की अनुमति के। चाइना इस पर चिढ़ गया है क्योंकि वो भारत के साथ भी वही करना चाहता था जो उसने अन्य देशों के साथ किया। भारत की सरकार ने उसकी चाल को समझ लिया और तुरंत ही ये कानून लागू कर दिया। चाइना इतना आक्रामक इसलिए हो रहा है कि भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ कोरोना के अगेंस्ट होने वाली जांच में शामिल ना हो, इसलिए ये एक दबाव बनाने की टैक्टिक्स है। सीपेक में उसने जो भी निवेश किया है, भारत ने जब से धारा 370 हटाई है तब से चाइना को खतरा बढ़ गया है। चाइना ये सोचता है कि भारत जिस दिन पीओके को ले लेगा
चाइना का सारा निवेश धरा का धरा रह जाएगा और उसका ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। भारत चाइना बॉर्डर पर भारत अपने ही क्षेत्र में सड़क का और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। चाइना को यह डर है कि भारत गलवान घाटी में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे भारत को युद्ध के टाइम पे ज्यादा फायदा होगा और इसकी कीमत चाइना को चुकानी पड़ेगी। चाइना अक्साई चीन में बहुत पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका था और वो भारत को वहां पर मजबूत नहीं होने देना चाहता है, इसलिए जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, जो दोनों तरफ की सेना का फेस ऑफ हो रहा है, भारत की तरफ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाइना उनको रोकने की कवायद में। नेपाल में चाइना सड़कें बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है और नेपाल को उसने अच्छा खासा कर्ज दे रखा है। वहाँ पे माओवादी सरकार है जो चाइनी कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है और यही वजह है यहाँ लिपु लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी के क्षेत्रों को अपना दिखा रहा है। भारत ने जैसे ही गिलगित और बाल्टिस्तान को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा बताया और पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी अपने नक्शे में दिखाया, चाइना को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। नेपाल इस समय चाइना की गोद में बैठकर खेल रहा है, यानी चाइना जो चाह रहा है वो नेपाल से कहलवा रहा है, वो नेपाल में करवा रहा है। आधुनिक युग में युद्ध की प्रणाली पूरी तरह से बदल चुकी है। आज का युद्ध सामरिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर और इन्फॉर्मेशन के मोर्चे पर लड़ा जाता है। भारत को भी इन सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए और पूरी दमदारी के साथ भारत लड़ भी रहा है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत को भी अमेरिका, जापान, ताइवान और चाइना के जितने भी दुश्मन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने व्यापार को, अपने रक्षा को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए समझौते करना चाहिए, जो कि भारत बखूबी कर रहा है। भारत को क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए। क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक चतुर्भुज है जो कि साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर कर सकता है और उसके प्रभुत्व को वहां से पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। यानी चाइना की हेकड़ी निकालने के लिए इन चार देशों का संगठन अगर एक साथ जुड़ जाता है तो चाइना की बोलती बंद हो जाएगी, चाइना अपने हद में रहना सीख जाएगा। भारत को सार्क देशों के संगठन को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। इसको एक लीडर की भांति अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को सार्क से बायकॉट करवाना चाहिए और सार्क के जितने कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़ के उनमें रक्षा सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अनुसंधान के क्षेत्र में एक दूसरे देशों में निवेश करना और करवाना चाहिए, जिससे कि भारत अपना प्रभुत्व इन देशों पर स्थापित कर सके और एशिया में एक लीडर की हैसियत से अपने आप को स्थापित कर सके। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और चाइना को उतना ही कष्ट हो रहा है, पाकिस्तान को उतना ही दर्द हो रहा है। रशिया और अमेरिका से भारत के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत को इन दोनों देशों के बीच एक संतुलन बनाकर रखना होगा, जो कि भारत बखूबी कर रहा है और दोनों देशों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई मेंबर के रूप में अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करना चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, अपने दावेदारी को दमदारी से पेश कर रहे हैं। ये चीन ही है जो हर बार अड़ंगा लगा देता है। तो अभी जो कोरोना का संकट है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया का फेवर इंडिया की तरफ झुका है और चाइना एक विलेन के तौर पर उभरा हुआ है। इस समय का सदुपयोग भारत को UNSC के लिए जरूर करना चाहिए। भारत को G7 जैसे देशों के संगठन का हिस्सा बनना चाहिए और अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर भारत को चाइना के साथ अपने व्यापार असंतुलन को कम करना चाहिए। 5:1 का रेशियो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी चाइना भारत में 5 रुपये का माल निर्यात करता है तो भारत चाइना में 1 रुपये का माल निर्यात करता है। वो 5 रुपये कमा के ले जाता है और हम 1 रुपये कमा के ले आते हैं। तो इस जो असंतुलन है इसको ख़त्म करना चाहिए और अपने स्वदेशी उत्पादों को बूस्ट करना चाहिए।
भारत को चाइनीज प्रोडक्ट को स्वदेशी प्रोडक्ट से रिप्लेस करना चाहिए, अथवा चीन के विकल्प देशों को भारत में एफडीआई के लिए इनवाइट करना चाहिए, उनसे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करवाना चाहिए, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, टेलीविजन, एलईडी, ये बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत अभी उतना आगे नहीं है जितना चीन आगे है। तो ऐसे विकल्पों को तलाश करना चाहिए जो भारत में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और उनसे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करवाएं, अपने स्वदेशी निर्मित उत्पादों को ज़्यादा फोकस करें, जिसकी दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। भारत ने अपने कदम मजबूती से आत्मनिर्भर बनने के तरफ बढ़ा दिए हैं और चाइना के पेट में दर्द हो रहा है। सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम चाइना के माल का बहिष्कार करें, चाइना के मोबाइल, चाइनीज गैजेट्स अपने घरों में ना लाएं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उनको तोड़े नहीं, क्योंकि एक बार हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब से हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम चाइनीज सामान, चाइनीज गैजेट्स, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और चाइनीज सॉफ्टवेयर को तिलांजलि देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। एक मुहिम चल भी रही है इस तरह की भारत में, इनका हमको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें सारे हिंदुस्तानियों को आगे आना चाहिए और आगे आके चाइना को इकोनॉमिक चोट पहुंचाने में भारत सरकार की सहायता करनी चाहिए। भारत को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियारों के निर्माण में, प्लेन्स के निर्माण में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, चाहे वो मेक इन इंडिया के जरिए करें या विदेशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए करें, लेकिन आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। चाइना को घेरने के लिए भारत को चाइना के दुश्मन देशों में अपना नेवल बेस बनाना ही पड़ेगा, जो कि भारत कोशिशें भी कर रहा है चाइना को घेरने के लिए, और कुछ सालों से हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति इतनी अच्छी हो गई है कि जो चाइना को काउंटर करने में काफ़ी हद तक कारगर है। हमारे देश की सेना को आधुनिक बनाना होगा, उनको वो साजो सामान, हथियार, उपकरण मुहैया कराने होंगे जो अमेरिका और जापान और फ्रांस जैसी सेनाएं यूज करती हैं। भारत सरकार इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। जिन देशों के पास अधिक लंबा युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है, उनके साथ भारत का समय समय पर सैन्य अभ्यास होना चाहिए, जिससे हमारे जवानों को ट्रेनिंग अच्छी खासी मिल सके और चाइना, पाकिस्तान ऐसे देशों को काउंटर करने में काफ़ी मदद मिले। यानी कुल मिला के हमको अपनी सेना को बूस्ट करना होगा, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रखनी होगी, और सेना का हौसला कभी न कम था, न है, न रहेगा। भारत की सेना दुनिया की नंबर वन सेना है। भारतीय सेना अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जानी जाती है। भारतीय सेना पाकिस्तान और चाइना की सेना की तरह से चीटर नहीं है, इसमें साहस है, इसमें शौर्य है, और दुश्मन को उसी के घर में मारना जानती है, दुश्मन को नेस्ताना बूंद करना जानती है। भारतीय सेना को हम सब जितना नमन करें उतना कम है, जितना सैल्यूट करें उतना कम है। भारत को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वारफेयर को बहुत तगड़ा बनाना होगा, क्योंकि ये देश प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ हर मंच पर चलाते हैं। तो भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए और हर मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलनी चाहिए, चाइना की पोल खोलते रहने चाहिए, ताकि वो वहाँ पे अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने में लग जाए। भारत को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक नीति बनानी चाहिए, उसमें कभी ढील नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो भेड़िए हैं, इनका न कैरेक्टर कभी सुधरा था, न सुधरा है और न सुधरेगा, इसलिए इनके साथ हमको रहना है। तो एक इजराइल जैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कि कभी लचीलापन इनके लिए ना आए, जहाँ पे हमारा हक है वहाँ पे हक है, जहाँ पे हमको विरोध करना है वहाँ हम विरोध करेंगे, और भारत सरकार इसमें सक्षम है। हमारी पिछली भी सरकारें और अब की जितनी भी सरकारें आई हैं, सारे इस मामले में सक्षम रही हैं, और चाइना और पाकिस्तान को उन्हीं के बुने हुए जाल में मात दिया है। भारतीय सेना को सैल्यूट। देश हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दिल से नीरज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, जय हिंद।